हेलो मतलब फ्रेंड, पूरा राम गेटअप। राम, कैसे हैं सब? हाउ पूरो? अरे हम बढ़िया हेलो है, आप फ्रेंड्स, राम कैसे राम। हैं? हम तो एकदम बढ़िया है फ्रेंड्स। देखो आज हमारे संगे को आए हैं अभिनव शुक्ला जी। बिग बॉस घर में रह रह के बोर हो गए, तो इनने सोची कि लाओ बाहर ही आ जाएं, चुपचाप दर्शकों से बात करें आए के। और देखो आज ही आ गए सास बहू और बेटिया में सभी फैंस से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। पहले तो अभिनव जी, सास बहू और बेटिया में आपका बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्वागत है। क्या बात है, ऐसा स्वागत, मजा आ गया। धन्यवाद। पहले तो हम सोचे कि जैसे बिग बॉस में गाना बजाए कि स्वागत करा था वैसे करें, फिर हमने सोचे कि नहीं बरे, वो तो पूरा फुटेज होते, 10-15 कैमरा होते हैं, जो तो डिजिटल इंटरव्यू है तो सीधे सीधे स्वागत ही कर लें। तो पहले क्या बताओ, बात है। पूरा एक्सपीरियंस बताओ, कैसे रहो मतलब बिग बॉस में, मतलब बिग बॉस के घर में इतना लंबो समय गुजार लो तुमने, मतलब कैसे रहो एक्सपीरियंस? देखो, एक्सपीरियंस मिला जुला है, सीखने को बहुत कुछ मिला है, और सबसे बड़ी बात है रुबीना और मैं, जो हमारा रिलेशन था वो और स्ट्रांग हो गया और मजबूती से बाहर आए हैं। अच्छा रहा ओवरऑल। बाकी दर्शकों ने जितना भी आपको देखा, पहचाना, जाना, समझा, मतलब हम कहें कि जो रिश्ते बिगड़ रहे हुए हैं ना, बिन अगर बिग बॉस देखो तो रुबीना और अभिनव को देखकर बिन के रिश्ते और सुधर गए हुए हैं। हाँ, क्या बात है। है तो और यही हमारा खुद मकसद का से भी गए सुधर आते, गया। और क्या, यही मकसद से तो गए आते। देखो क्या कहते, सक्सेस हुई गए मकसद में। अच्छा पहले सवाल तो ये कि देखो बिग बॉस के घर से बाहर आ गए भैया, हमें तो ये बात बिल्कुल सही ना लगी, हमें थोड़ा सा अनफेयर लगो, तो तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, मतलब तुम्हें कब का लगता है, जो सही भाव कि गलत भाव? देखिए, सही गलत क्या होता है, ये शो है, ये गेम है एक, जिसमें सक्सेसिव इलिमिनेशंस होती हैं, लोग इलिमिनेट होंगे, आखिर में सिर्फ दो ही स्टेज पे रह जाएंगे और उनमें से भी एक का हाथ ऐसे ऊपर जाएगा। तो सोचा तो ये था कि मैं और रुबीना होंगे वो दो, और मेरा हाथ या रुबीना का हाथ ऊपर जाएगा। मैं तो उम्मीद कर रहा था मेरा जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। अब तो गम सिर्फ उसी चीज का है, और जो ये वैलेंटाइंस डे आ रहा है 14 तारीख को, उसके लिए मैंने थोड़ा प्लान किया था कि थोड़े अपने अंदाज में साइंस का तड़का लगा के कुछ अच्छा सा बाहर अच्छा अरेंजमेंट करूंगा, अच्छा बाहर जो लॉन एरिया था हमारा वहां पर, और रूबी को रात को उठाएंगे, सरप्राइज देंगे उसको। लेकिन वो चौपट कर दिया, ये तीन ये घर लोगों वालों ने, हाँ ये तीन लोगों ने, ये जान कुमार, सानू, जासमिन और बिंदुदार। ने। अच्छा जी बताओ, तुम पे तो इल्जाम लगाओ गए है कि मतलब गेम्स में सबसे कम साझेदारी, सबसे कम योगदान को, तो मतलब तुम्हें क्या लगता है, ये सही है या गलत है? मतलब तुम अपने आप को माना तो कि तुमने गेम कम खेलो है? देखिए, जो ऑडियंस, जो फैंस का बाहर मुझे सपोर्ट मिला है, जो प्यार मिला है, उसको देख के ये सब जो बोल रहे हैं, ये इनको शर्म आ जाएगी। क्योंकि अगर मैंने कुछ योगदान नहीं दिया होता तो लोग प्रशंसा ना करते, लोग बोलते राया सही अच्छा कही, हुआ यार, पका रहा था निकल गया। लेकिन दुनिया फोन करके बोल रही है, भाई तू सीजन 14 ही नहीं, पूरे 1 से लेके 14 सीजन में तू हमको सबसे सही लगा, तो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। तो मैंने अपनी जो जंग थी भाई, वो जीत ली, ठीक है, तो थोड़ी सी रह गई है, वो मैं रुबीना को बोल कर आया, वो तो मेरे लिए जीतेगी। अरे वाह, मतलब वो तो जीत जाएगी। पता है हमें कहीं ना कहीं शक है कि जितनी मजबूत औरत बन के वो निकली है, मतलब बिग बॉस हाउस में सब दर्शकन के सामने, वो मजबूती के साथ विनर को खिताब लेके आई है जरूर। अच्छा एक बात ये बताओ, देखो कम योगदान में तुम्हें निकाल दो है, तुम्हारे बहन के साथ साथ बाकी जो तुम्हारे आर्टिस्ट कलाकार दोस्त हैं, बिन्ने ट्विटर में और अपने इंस्टाग्राम में और न जाने जो सोशल मीडिया बोले सब में यही कही कि ये तो अनफेयर भाव, तो उसके लिए क्या कहे हो? देखिए, बुरा इस चीज का लगा कि मेरे फैंस को बुरा लगा कि मैं निकल गया, लेकिन मैं तो अपने आप को ये समझा के बैठा था कि गेम है भाई, शो है, एक ना एक दिन पत्ता कटेगा, कब पता नहीं। मैं तो तैयारी करके बैठता था, कभी भी पत्ता कट सकता है, कभी भी कुछ भी अच्छा टास्क आ सकता है, और यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं मुख्य द्वार से। तो अगर आप, वो कहते हैं ना, एक एक सोल्जर के लिए कहा जाता है, एक सोल्जर तभी सोल्जर की तरह काम करता है जब वो ऑलरेडी सोच ले कि वो जा चुका है, क्योंकि तब डर खत्म हो जाता है। तो सही मैं बात तो है। अंदर घर के ऐसे गया था कि मैं कभी भी इलिमिनेट हो सकता हूं, तो मैं बिना किसी डर के, बिना किसी इनसिक्योरिटी के, बिना वो प्रेशर लिए कि यार
कंटेंट देना है, झगड़ा करना है, मैं बिना उसके रहा तभी लोगों को जेन्युइन लगा, ठीक है, तभी लोगों को ऑर्गेनिक लगा, तो भाई तभी ना टिका। सही बात है, कैसे शुरुआत से लेकर अंत तक कही जाए, अभिनव शुक्ला ऐसे कहू बीच में नहीं टांग अड़ाई अभिनव शुक्ला ने, जब काऊ ने उंगली करी अभिनव को तब अभिनव ने जवाब दिया है। ये बताओ कि हाँ ये बताओ मतलब सबसे ज्यादा गुस्सा तुम्हें, अब हम तुमसे पूछे कि सबसे ज्यादा गुस्सा तुम्हें के पे आ रहा हो, मतलब पूरे बिग बॉस घर में सबसे ज्यादा गुस्सा के पे आओ तो नाम बताओ और काहे के मारे आओ जय के मारे बताओ। देखिए अब तो किसी पे नहीं आ रहा है क्योंकि जो हुआ वो मैं सब उधर ही छोड़ आया हूँ भाई, वो सब चीज आके कौन जिएगा, वो सोचते रहे तो आगे की जो इतनी हसीन जिंदगी है तुम उसको खराब करोगे। सो जितना कहा सुना जो हुआ वो मैं घर के अंदर छोड़ आया हूँ, वो वहीं का वहीं रह गया। लेकिन गुस्सा तो आया था जो वो राखी ने उस दिन हरकत की थी उस पर गुस्सा आया था, अभी बाहर आया हूँ तो ठीक है। अच्छा ये वही हरकत ना, वो क्या कही जाता नाड़ा खींच रहा तो मतलब कुछ ऐसे वही हसी बात। और जो वीकेंड के वार पे यू नो मेरा ब्रेकडाउन हुआ था क्योंकि वो मुझे एक गलत इंसान दिखाने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने गलत चीजें बोली थी, ताने मारे थे, ठीक है लोगों के ताने सुन सुन के ही मैं स्ट्रांग बना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात बताओ मतलब अब हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपसे अपना आपा छूट गया और आपने मतलब नाम लगाया गंदी औरत और ये जिसके लिए सलमान खान ने भी थोड़ी बहुत क्लास लगा दी, तो ऐसी क्या बात हुई थी, मतलब पूरी चीजें तो टीवी पे नहीं दिखाई जाती है, थोड़ी बहुत दिखाई जाती है, तो ऐसी क्या बात भाई कि मतलब ऐसा दिल से निकल गया, मतलब अभिनव ऐसे तो कुछ बोलते नहीं है। देखिए आप किसी के लिए अच्छे भाव से अच्छे मन से कुछ करते हैं, उसकी मदद करते हैं, लेकिन वो इंसान झगड़े में उस मदद को गंदगी का रूप देता है तो बहुत बुरा लगता है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि मैंने जैसे अर्शी के बाल काटे थे शो में, मुझे अच्छी वो भी सीख लिया, मैं वो बाल काटने भी सीख गया हूँ शो में रह के, तो मैंने अर्शी के बाल काटे थे, मैंने उदाहरण दिया था कि अगर अर्शी मुझे बोल दे कल को कि इसने मेरे बाल काटे हैं ताकि ये मुझे छू पाए गलत तरीके से तो बुरा लगेगा ना। सही बात है। वो ही राखी के साथ हुआ, उन्होंने मैंने जो उनको एक हक दिया था जब वो लो थी उन्होंने उसको एक गंदा रूप दे दिया और वो ऐसा करती थी उस दौरान उस शो में वो कर रही थी ऐसा, तो इसलिए दिल टूटा कि यार मैंने तो अच्छे मन से किसी का कुछ भला किया है और आपने उसी को एक गंदा रूप दे दिया है और फिर वो बोलना। और देखिए सब वहां पे इंडिविजुअल आए थे, मैं और रूबी अकेले थे, जो एक रिश्ता था एक पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता होता है और एक लीगल रिश्ता है हमारा, उसके बारे में नॉनस्टॉप बोलना बुरा लगता है, कोई भी इतना सहन नहीं कर पाएगा। और वो नॉनस्टॉप दो दिन लगातार ताने पे ताने पे ताने ताने मारती रही। आप तो एक घंटे का एपिसोड देखते हैं लेकिन हम तो 24 घंटे हैं, दो दिन ताने सुन सुन के कोई भी अपना आपा खो देगा, उससे पहले ही खो देगा। ये तो बात बिल्कुल सही कही। अच्छा देखिए बिग बॉस ने कहा जाए तो आप दोनों को दूसरा मौका दिया है, आप दोनों के रिश्ते को दूसरा मौका दिया है, तो उसके बारे में कहें मतलब जानना चाहेंगे। देखिए मतलब कुछ भी कहे कोई भी स्टार हो जाए जिनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल हो जाती है तो वो पब्लिकली बताते नहीं है, लेकिन आप लोगों ने नेशनल टीवी पे आकर इन्फॉर्मेशन दी अपने फैंस को कि भैया हम दोनों ऐसा होने वाले थे, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि मतलब ऐसा ऐसी क्या चीज मतलब क्या चीज थी जिसने आप दोनों के रिश्ते को बांधे रखा और जोड़ कर रखा। देखिए वो जो टास्क था हमारे लिए वो टास्क एक इम्यूनिटी जीतने का या शो में आगे बढ़ने का टास्क नहीं था, मैंने कहा भी था उस टास्क के दौरान, ये वो टास्क हमारे लिए अपने जो मन में चीजें दबी हुई थी हम जैसे थे वो दुनिया के सामने रखने का एक टास्क था और वो हमने रखा निडर होके। और मैंने रुबीना से कहा था शो में आने से पहले कि अगर तुझे लगता है हम जो आपस में झगड़ते हैं वो झगड़े हैं तो अंदर जाके देखना, तुझे अपने झगड़े बहुत छोटे लगेंगे। और वही हुआ, जब लोगों के इतने बड़े बड़े झगड़े होते देखे तो हम इकट्ठे आ गए, एक साथ बन गए, हम हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया।
सही बात है। तो मतलब बिग बॉस ने बड़ा बेनिफिट हुआ है तो मेरे और रुबीना के रिश्ते का। सही बात है, लेकिन एक बात बताओ, मतलब देखो इससे पहले एक और आपने रियलिटी शो किया था, वो है सर्वाइवर इंडिया है जी, उसमें जी। भी मतलब कहा जाए ना कुर्सी से टच करनी बाकी रह गई थी विनर की, लेकिन आउट हो गए, एक वो मलाल। अब इसमें भी वही बात, मतलब कुर्सी बस टच करनी थी जीत की और फिर पीछे हट गए, मतलब फिर ऐसा हो गया, तो इस बात का तो दुख हुआ ही होगा भाई, जीत के इतने करीब होकर हार जाना बड़ी बात होती है। देखिए मैं लाइफ में मैंने 4 मेल पेजेंट्स किए हैं, मॉडल हंट कॉन्टेस्ट किए हैं 4, मैं चारों में टॉप 5 में था, जीता नहीं। सर्वाइवर में मैं सिर्फ एक दिन दूर था, नहीं जीता। बिग बॉस में मैं ऑलमोस्ट फिनाले तक पहुंच गया लेकिन नहीं जीता। तो सही बात है, जीतना ही सब जरूरी नहीं होता, होता है यू नो इंपॉर्टेंट, आप जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ यार, इन सब कॉन्टेस्ट ने, इन सब चीजों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और वो सीख के चलते ही जो अभी फैंस का इतना प्यार है मेरे लिए, वो उस सीख के चलते ही मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैंने लाइफ में सीखा है, तो सीखना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, द बेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज द जर्नी इटसेल्फ, इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, वो है मेरे साथ। बट हाँ, आपने अब ये बोला है तो मैं इसको कम से कम नहीं तो 1-2 महीने सोचता रहूंगा कि यार मैं जीता क्यों नहीं। सही बात है, हमें माफ कर दे, पर हमें नहीं पता थी कि मतलब इतना ये गहरा सवाल होगा, लेकिन सवाल तो सच में बहुत ही गहरा था। सवाल गहरा है और फैक्चुअल है, क्योंकि ऐसा हुआ है, तो ठीक है। लेकिन एक बात पता है, लेकिन एक बात बताएं, बिग बॉस भले ही हार गए, लेकिन हार कर भी आपने अपने सारे फैंस का दिल जीता है, इससे बड़ी बात क्या होगी। वो तो है, है ना। हाँ अच्छा, चलो ठीक है। अभी अच्छा एक चीज और, कि देखिए रुबीना दिल, निक्की जो तंबोली है, निक्की तंबोली, वो रुबीना दिलै को मतलब बड़ी बहन की तरह मानती है हर चीज, लेकिन अभी बीच में हम देख रहे थे कि निक्की ने मतलब तुम पे भी सवाल उठा दे, मतलब ये काहे के मारे, मतलब क्या हुआ ये बात। देखिए निक्की अगर ऑनेस्टली कुछ कर रही है तो वो गेम के साथ ऑनेस्ट है। सो मैं तो रूबी को कह भी चुका हूँ, मुझे निक्की पसंद है, स्पेशली जो निक्की बाहर जाके वापस आई थी वो पसंद है, लेकिन जहां तक गेम का और गेम में आगे बढ़ने का सवाल है, आई डोंट थिंक कि तू उस पे ट्रस्ट कर पूरा, क्योंकि निक्की अपने लिए खेलेगी और वो बोलती भी है, तो हो सकता है, और वो इंपल्सिव है, बच्ची है, वो 23 साल की, अभी क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे, उसमें इंपल्सिवनेस रहेगी, जैसे उन्होंने बोला कि अभिनव समझा रहा था रूबी को, वो एकदम से लगी अरे झूठा है झूठा है झूठा है, तो उसको डील करने के लिए पेशेंस चाहिए, और वो ठीक है यार, मैं भी 23 साल का था, मैं भी ऐसा ही था, तो कुछ गलत नहीं है। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, देखिए जैसे कि आपने रुबीना को समझाया भी कि अपने लिए खेलो, वो भी अपने लिए खेल रही है, तो अभी जो रुबीना तो फिनाले में पहुंच गई, और रुबीना को जब बोला गया कि किसी एक को अपने साथ फिनाले में लो, तो उन्होंने निक्की को ले लिया, तो निक्की भी बच गई अब एलिमिनेशन से, उसके लिए क्या कहेंगे, मतलब रुबीना ने ये फैसला सही किया या गलत किया। देखिए मैं वहां हूं नहीं, ठीक है, मैं जज नहीं कर सकता कि उसने क्यों लिया, लेकिन अगर निक्की नहीं तो और कौन, निक्की सिर्फ अकेली ऐसी है जो चाहे कुछ भी हो रुबीना के साथ उठती बैठती है, अपने विचार शेयर करती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है निक्की का रुबीना के लिए, रुबीना का निक्की के लिए, तो और कोई चॉइस ही नहीं थी, और किसको देते, और देखा जाए निक्की ने भी बहुत मेहनत की है उस लड़की ने, वो भी कम नहीं है, उसने बहुत मेहनत की है, तो मेरे हिसाब से ठीक है, बाकी मैं वहां हूं नहीं तो मैं उस पर अच्छी विशेष टिप्पणी नहीं दे सकता कि रुबीना ने सही किया कि गलत, बिग बॉस मेरे लिए खत्म हो चुका है। अच्छा ठीक है, चलो अभी हम फटाफट क्या करें, जो जो घर में मौजूद है उन सबके नाम लिए, और उनका नाम सुनते के साथ ही अभिनव के दिमाग में क्या आता है, जो भी आए दिल खोल के बोलिएगा, ठीक है। पहले तो हम नाम लिए अली गोनी को, शाना। शाना, ये वर्ड बहुत अच्छा चुना आपने। रुबीना दिलैक के बारे में तो नहीं पूछे, कैसे वो तो दिल का टुकड़ा है तुम्हारे तो, हाँ वो तो शेरनी है। चलो, और निक्की तंबोली के लिए बोला जाए तो, निक्की तंबोली बच्ची,
अच्छा बचपन राखी सा अच्छा राखी सावंत मेरे वाला एंटरटेनमेंट नहीं है वो। अच्छा मतलब आपके लिए एंटरटेन। हाँ अब राहुल वैद्य शो के हिसाब से बेईमान। अच्छा और देखिए आखिरी नाम तो है एजाज खान का, लेकिन एजाज खान की जगह अभी देवुलीना थी, तो दोनों के बारे में बता दीजिए। एजाज के नाम लेते के साथ क्या आता है दिमाग में, और देवुलीना का नाम लेते क्या आता है? एजाज के नाम पे आता है एक आदमी जो बहुत सोचता है, वो इतना सोचता है कि वो सोचने के बारे में भी सोचता है कि क्या सोचूं। अच्छा और देवुलीना, देवुलीना इमोशनल और कहीं कहीं वो एकदम से भड़क जाती है तो थोड़ा डर भी लगता है कि उठा के कुछ फेंक ना सही बात है, उनका भड़कना अभी हम लोगों ने देखा, हम खुद डर के कहीं टीवी से बाहर ना निकल के आ जाए। चलो ठीक है, मतलब ये बढ़िया है। और बाकी देखिए आपने तो अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है अपने उसमें सोशल मीडिया पे कि आपकी शेरनी को जिताना है, बाकी आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जाने से पहले? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे आइडिया नहीं था घर के अंदर रह के कि इतना सपोर्ट इतना प्यार मिल रहा है, और मैंने कभी लाइफ में इतनी इतनी फैन फॉलोइंग इतनी प्रशंसा नहीं सुनी। और मुझे पता है कि मुझे जिस चीज़ का बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा कि मैं बाहर आ गया, तो इसलिए जो भी है अब ठीक है, ये शो है, ये गेम है, इसमें एलिमिनेशन होती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैंने आपको इंस्पायर किया हो तो माई जॉब इज़ डन, एंड आप अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहें, और आगे भी बहुत काम करना है अभी तो इंडस्ट्री में, तो प्लीज अपनी सपोर्ट हमेशा रखें मेरे साथ। सही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सासू और बेटियां से धन्यवाद, जुड़ने के लिए अभिनव जी। थैंक रहा तो मिलेंगे जरूर जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए चलिए, अलविदा। हाँ ओके, जी। बाय बाय।